तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपने फेक एक्सपीरियंस के बारे में ज़रूर सुना होगा। बट क्या फेक एक्सपीरियंस सही में काम करता है? आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। तो मैं एक स्टूडेंट से कनेक्ट हुआ था। वो स्टूडेंट ने सैस सॉफ्टवेयर को सीखा था और सैस सॉफ्टवेयर सीखने के बाद तो उन्होंने काफ़ी जॉब्स के लिए अप्लाई किया। तो इनिशियली उनको इंटरव्यू मिले नहीं, उसके बाद उन्हें धीरे धीरे इंटरव्यू मिलने लगे। बट उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, ऐसे 4 या 5 इंटरव्यू दे दिए। और 4 और 5 इंटरव्यू देने के बाद भी उनका क्या हुआ कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली छठी कंपनी में उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो कंपनी ने उनको अनपेड इंटर्नशिप पे रखा था। तो अनपेड इंटर्नशिप पे रखा और क्या हुआ कि उनको जैसे ही 4-5 मंथ्स हुए तो स्टूडेंट ने वहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि वो अनपेड इंटर्नशिप था तो वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट फील हो रहे थे कि मुझे ज़्यादा कुछ सीखने नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ परमानेंट करेंगे कि नहीं वो मुझे पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट को लेट सपोज कि उन्होंने लर्निंग में ऑलरेडी 4-5 महीने स्पेंड किए हैं। ऑन एन एवरेज किसी भी चीज़ को सीखते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पर ट्रेनिंग, तो 3-4 या 5 महीने लग जाते हैं लेट सपोज। तो उन्होंने 4-5 महीने लर्निंग पे स्पेंड किया होगा और 3-4 महीने अप्लाई करने पे भी, और उसके बाद उन्होंने 3-4 महीने काम किया एक कंपनी में, जैसा मैंने बताया जो अनपेड इंटर्नशिप था। उसके बाद क्या हुआ उस स्टूडेंट को, उसके बाद उन्होंने वापस वो जॉब छोड़ के जो अनपेड वाला था अप्लाई करना स्टार्ट किया। बट कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी अप्लाई किया, उन्हें इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। जब आपको पता है, जब आप अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ को, लगातार ट्राई कर रहे हो, तो जितने भी पॉसिबल डोर्स होते हैं ना, तो आप उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हो कि और क्या पॉसिबल वे है, मैं क्या करूँ, कैसे ले सकता हूँ। तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं से पता चला कि फेक एक्सपीरियंस करके भी होता है, वो हम सैस में भी यूज़ कर सकते हैं और इस पर जॉब ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं वहाँ पे सैस का फेक एक्सपीरियंस लिया। वो फेक एक्सपीरियंस लेने से पहले जो उनको 4 या 5 मंथ वर्किंग का एक्सपीरियंस था, ठीक है, इंटर्नशिप का, उन्होंने उस बेस पे भी काफ़ी जगह इंटरव्यू देने का ट्राई किया और इंटरव्यू दिया भी, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपनीज मांग रही थी कि आपको मिनिमम 1 ईयर या 6 मंथ्स या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट ने फाइनली, उनको कहीं से पता चला कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फेक एक्सपीरियंस बना के देते हैं, वहाँ से उन्होंने फेक एक्सपीरियंस लिया। आई डोंट नो एग्जैक्टली 1 ईयर का था या 2 ईयर का, अभी मुझे याद नहीं है, बट उन्होंने 1+ ईयर का फेक एक्सपीरियंस लिया। फाइनली उनको एक कंपनी में जॉब मिल गया और उनको सैलरी भी मिली, वो अराउंड 35 या 45 थाउजेंड थी स्टार्टिंग सैलरी जो थी, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस शो किया था। तो यहाँ पे जो गलती है वो किसकी है? क्या ये गलती वो स्टूडेंट की है? क्या ये गलती कंपनी की है? क्या ये गलती इस प्रोसेस की है? तो चलो डिकोड करते हैं इस चीज़ को। और क्या अगर आप फेक एक्सपीरियंस ले रहे हो तो क्या आपके लिए काम करेगा, कि आपको लेना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं, ये जो फेक एक्सपीरियंस का ट्रेंड है वो किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। 99% आईटी इंडस्ट्री में। आईटी इंडस्ट्री में या सॉफ्टवेयर्स पे लोग क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि उन पे सैलरी और ग्रोथ अच्छी है। दूसरी चीज़, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो तो आपको कोई ना कोई नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का, मोस्ट प्रॉब्ली एज अ फ्रेशर। ठीक है, कंपनीज फ्रेशर को रिक्रूट तो करती है, बट कंपनीज ट्रेंड फ्रेशर को रिक्रूट करती है मोस्टली। जो अनट्रेंड फ्रेशर है उनकी भी हायरिंग होती है, बट बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप फ्रेशर हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम करते हैं क्लिनिकल सैस अगर प्रोफाइल है, तो उस प्रोफाइल पे आपको क्लिनिकल सैस रोल की ट्रेनिंग होनी चाहिए या नॉलेज होनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली एज अ फ्रेशर। लेट सपोज आपने ट्रेनिंग ले ली, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो लेट सपोज कहीं से 10 लोगों ने या 20 लोगों ने उस चीज को सीखा। अब 10 में से 10 को इंटरव्यू मिलने से रहा एक टाइम पे, और ना ही 10 में से 10 एक टाइम पे क्रैक कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 10 में से कुछ को इंटरव्यू मिल रहे होते तो पॉजिटिवली अच्छे से कर रहे होते हैं। ठीक है, और एक होता है मोटिवेशन भी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो अगर आप ड्यूरिंग द ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो तो आपके चांसेस, मैंने नोटिस किया, हाई रहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से इंटरव्यू तो मिलेंगे ही ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एंड आफ्टर द ट्रेनिंग भी, आप एकदम कंसिस्टेंट हो तो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को इंटरव्यू मिलते हैं। लेट्स अज्यूम करते हैं कि 10 सभी 10 अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बट 10 में से 5 को इंटरव्यू मिल रहे हैं थोड़े बहुत, थोड़ा गैप करके, बट 5 को इंटरव्यू नहीं मिल रहा, एंड दैट इज टोटली फाइन, क्योंकि एक प्रोसेस है। अगर 1000 लोग हैं, ठीक है, तो मार्केट में एक कंपनी में अगर एक वैकेंसी निकल रही है तो 20 लोगों के लिए या 30 लोगों के लिए निकलेगी, या 4-5 कंपनी हायर कर रहे हैं तो शायद 50 या 60 लोगों की हायरिंग करेगी। तो 50 या 60 हायरिंग करने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 300 का या 100 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, राइट, या 200 लोगों का, यानी बाकी 1000 में से लोगों को इंटरव्यू नहीं मिलने वाले उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे। नो वरीज, अगेन कुछ मंथ्स लगा के उनको इंटरव्यूज मिलेंगे। तो बाकी लोग काफ़ी कुछ ट्राई करते हैं, अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, बहुत सारे शायद प्रोजेक्ट भी ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट की भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो उन्होंने नॉलेज तो अच्छा ले लिया होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आपको जल्दी इंटरव्यू नहीं मिल रहा होता है और आपको लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत टाइम हो रहा है। अब ऐसा सबके साथ नहीं होता, बट मान के चलो 100 में से 30% या 40% लोगों के साथ या 50% लोगों के साथ ऐसा होगा कि उनको ज़्यादा टाइम लगेगा, उनको पेशेंस रखना पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा शायद। ठीक है, ऐसा डिफ़ॉल्ट मोड में समझो होता ही होता है, क्योंकि सबको इंटरव्यू एक टाइम पे मिलने नहीं वाले। तो ठीक है, तो जिसको नहीं मिल रहा था वो अपने आप को कहीं ना कहीं
इम्प्रूव कर रहा होता है या तो उस चीज़ से उम्मीद छोड़ देता है। तो जब आप इस प्रोसेस में होते हो तो कहीं ना कहीं थक हार के आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे एक और ऑप्शन खगोलना चाहिए, या कहीं ना कहीं से आपको एक ऑप्शन पता चलता है, वो है फेक एक्सपीरियंस। अब फेक एक्सपीरियंस की लोगों को अवेयरनेस हो गई है, ठीक है, कि फेक एक्सपीरियंस को क्रैक करने के लिए हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट या कोई भी एक फर्म होती है फेक फर्म, वहां से काफी बार वो फेक ट्रेनिंग का आपको या फेक नॉलेज का आपको या फेक वर्किंग एक्सपीरियंस आपको बना के दे देते हैं कि आपने 1 ईयर या 2 ईयर काम किया होता है। अब उन्होंने बना के तो दे दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, 1 ईयर का 2 ईयर का नॉलेज नहीं है। बट क्योंकि अभी जो इकोसिस्टम है फेक एक्सपीरियंस का इतना बढ़ चुका है कि लोगों को अवेयरनेस है कि 1 ईयर अगर मैंने फेक एक्सपीरियंस डाला है तो 1 ईयर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपने कलीग से या कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करते हैं कि 1 ईयर में क्या काम होता है, कैसे होता है, उसकी नॉलेज सोचते हैं एक्वायर करके मैं इंटरव्यू दे दूं। अब काफ़ी लोग फेक एक्सपीरियंस यूज़ करके इंटरव्यू देते हैं, क्रैक भी करते हैं, उनमें से कुछ क्रैक करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और क्या होता है उनका फायरिंग भी हो जाता है। जब वेरिफिकेशन होता है तो सारे के सारे सक्सेस नहीं जाते, काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं और फेल हो जाते हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है, उनको पता होता है कि मैंने फेक यूज़ किया है, तो काफ़ी मेहनत करके कंपनी में भी सीख लेते हैं और कंपनी में ज्वाइन करने से पहले भी उन्होंने काफ़ी मेहनत करके एक अच्छा नॉलेज एक्वायर कर लिया होता है। कभी ना कभी ऐसा होता है कि कंपनी के मैनेजर को भी पता है, तो भी ऐसा होता है कि 10 में से 5 बार वो रख लेते हैं कि बंदा अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नो डाउट उन्होंने पास्ट में अगर यूज़ किया हो तो। मोस्टली अगर पकड़े गए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तो फायर कर देते हैं, बट कुछ केसेस में कंपनीज भी चला लेती हैं। यस दैट इज राइट, कुछ केसेस में अगर देखती है कि कैंडिडेट ने 1 ईयर डाला है, बाद में वेरिफिकेशन पे पता चला कुछ महीनों बाद, लेकिन कुछ महीने में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो कुछ केसेस में अगर रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी वो चीज चला लेती है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि देखो यहाँ पे टोटली स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंपनी को भी इस चीज को समझना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहला एक्सपीरियंस शेयर किया कि स्टूडेंट के पास 6 महीने का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसके बाद उसने बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया 3 या 6 महीने के वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बेस पे, बट कंपनी ने उसे नहीं लिया। उसी स्टूडेंट ने जब 1 ईयर का फेक एक्सपीरियंस डाला तो उसको सेलेक्ट कर लिया। क्या होता अगर कंपनी उसको 3 या 6 मंथ्स पे या उसके नॉलेज देख के उसको सेलेक्ट कर लेती इंस्टेड ऑफ वेट करती, क्योंकि उसी कैंडिडेट को उन्होंने 1 ईयर जब उसने डाला फेक तो सेलेक्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये कंपनीज की भी गलती है, हमेशा 1 ईयर की जगह आप वहां पे फ्रेशर को भी, कंपनीज को भी समझना चाहिए कि जो 1 ईयर की पोजीशन है या 6 मंथ्स की पोजीशन है वहां पे फ्रेशर्स को मौका दिया जाए जितना ज्यादा हो सके। क्या पता फ्रेशर्स में ही कुछ ऐसे फ्रेशर्स हो जो अच्छा परफॉर्म कर सके, जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया, जिनको अच्छा नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं ये एक गैप रह जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बट अगेन गाइज ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस का सबसे जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है ना कि टाइम टेकिंग। अगर आपको लाइफ में ऑलरेडी आपको लग रहा है कि मैं 3-4 साल पीछे चल रहा हूँ ना, तब आप फ्रस्ट्रेट ज्यादा होते हो। अगर आप फ्रेशर होते हो ना तब आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आपको पता होता है कि प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जस्ट अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और थोड़े टाइम बाद मैं मेहनत करके इस रोल पे सेलेक्ट भी हो जाऊंगा। बस यही चीज है, क्योंकि सीधा ध्यान में रखना कि अगर कभी भी एक कंपनी में इंटरव्यू है तो जितने भी लोग वो सीख के आए हैं उन सभी को तो इंटरव्यू मिलने नहीं वाला और ना ही सबका सिलेक्शन होने वाला है। अब वो कंपनी या अगली कंपनी में इंटरव्यू निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस प्रोसेस में चला जाता है टाइम। अब उसमें आपको लेजनेस करते हो अगर आप कंसिस्टेंसी से अप्लाई नहीं कर रहे या कंसिस्टेंसी से मेहनत नहीं कर रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो वो और देर हो जाती है। बट कहीं ना कहीं इसमें कंपनी की भी गलती है कि कभी कभार सेम कैंडिडेट को 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे ले लेते हैं, वही कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन सेम कैंडिडेट को फ्रेशर के इंटरव्यू पे नहीं ले रहे। तो दोनों ही साइड से मैं यही बोलूंगा गाइस, आप सभी को क्या करना चाहिए, पहली चीज़ आप सभी को खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ काम करते रहना है, खाली बैठने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी ये ध्यान में रखना, फेक एक्सपीरियंस लॉन्ग टाइम में आपको इशू क्रिएट कर सकता है। एक इंसिडेंस ऐसा था कि एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, उनकी जॉब लगी, वर्किंग प्रोफेशनल नहीं एक फ्रेशर थे, उनकी जॉब लगी फेक एक्सपीरियंस डाल के 2 ईयर का, फिर उन्होंने काम को सीख लिया और काफ़ी अच्छे से करने लगे। अब सभी को पता है अगर आप सिंगल हो, अगर आपके करियर सेट हो गया तो उसके बाद आप शादी कर लेते हो, तो वो जो बंदे थे वो सेलेक्ट हुए थे, वो 2 साल बाद उन्होंने शादी कर ली, उनकी लाइफ भी थोड़ी सेट चल रही थी। बट 2 साल बाद अचानक से कंपनी को कुछ थ्रेड मिला या ऐसा मिला कि उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज का थोड़ा वेरिफिकेशन चेक करना शुरू किया, तो उसमें से वो एम्प्लॉय जिन्होंने 2 ईयर का फेक एक्सपीरियंस प्रेजेंट किया था वो पकड़े गए और उनको फायर कर दिया इमीडिएट बेस पे, ठीक है, और काफ़ी एम्प्लॉयज़ को उस टाइम पे फायर किया गया। तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, बट फेक एक्सपीरियंस हमेशा आपके लिए लॉन्ग टाइम एक प्रॉब्लम रह जाता है। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हुई है, बट उससे ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि जो पकड़े जाते हैं वो मार्केट में अपने आप को बताते नहीं कि मेरे साथ ये हुआ है, मैं पकड़ा गया, लेकिन जो नहीं पकड़े जाते वो खुशी से रहते हैं, वो भी नहीं बताते, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है क्योंकि वो नहीं पकड़े गए और वो चीज़ें ठीक हो गई। बट मैं बता दूं फेक एक्सपीरियंस का जो मार्केट है ना 100% में से वो सिर्फ काम करता है 5% के लिए,
100% लोग अगर फेक एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं तो उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 5% का होता है। और कंपनीज को भी कहीं ना कहीं फ्रेशर को 1 ईयर के एक्सपीरियंस में मौका देना चाहिए, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या जो भी जहाँ से कोई ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको मस्ट प्रोजेक्ट नॉलेज मस्ट होनी चाहिए। आप हमेशा ध्यान में रखो, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रोजेक्ट का नॉलेज लोगे ना, तो कहीं ना कहीं फेक एक्सपीरियंस की नौबत लेने की आपको नहीं आएगी। आप एज अ फ्रेशर ही उस जॉब को ले सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।